इरफान अंसारी अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं, इस बार फिर वो अपने बड़बोले पर का शिकार हो गए हैं। जामताड़ा में बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन पर निशाना साधने के दौरान वे मर्यादा भूल गए और उनके लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर दिया। इसे लेकर के सीता सोरेन ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी ने नामांकन के तुरंत बाद मीडिया के सामने मेरे लिए जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। पहले भी उन्होंने मेरे बारे में व्यक्तिगत बातें बोली है लेकिन इस बार उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी है। इरफान जी माफी मांगिए वरना उग्र विरोध के लिए तैयार रहिए। ऐसे सम्मानित पद पर रहकर आपने जिस अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया है उसने पूरे महिला समाज को भयभीत कर दिया है। अगर आप मेरे लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं तो गरीब और असहाय महिलाओं पर क्या बीतती होगी। ऐसे नेता जब तक सत्ता में रहेंगे महिलाएं असुरक्षित रहेंगी। अब इन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। आप महिलाओं को किस नजर से देखते हैं ये आज जनता के सामने है और जनता इसका जवाब देगी। तो सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करके सीता सोरेन ने दुख व्यक्त किया है और माफी मांगने के लिए इरफान अंसारी से कह रहे हैं। इनको जो रिजेक्टेड माल है जो साथी से जीत जाता है उसको हाईजेक कर लेती है, फिर से नहीं चलेगा। वैसे प्रत्याशी जिनको मैं हरा चुका हूँ उनको मैं कहूंगा यार ये समय जो है लड़ने का लड़िए, जिसे भाजपा समाप्त कर देगी आपको, भाजपा खोखला कर देगी आपको। मैं चुनौती देता हूँ कि आपके साथ लड़ने में मजा आता, यहाँ तो क्लीन स्वीप आपने दे दिया, उनको समझ नहीं आ रहा कहाँ। तो इस पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। राजनीति में अगर भाषा का संयम नहीं रखेंगे तो आप विपक्षियों से भी शालीनता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता ने कोई हाथ में चूड़ी नहीं पहन रखी है। कल तक वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता थी, पीछे पीछे घूमते हुए, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उनके मन में जो वैमनस्यता का भाव दिखाई दे रहा है इस बयान से, मैं समझता हूँ कि सिर्फ निंदनीय ही नहीं बल्कि चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह के अपमानजनक शब्द एक महिला के खिलाफ जिन्होंने इस्तेमाल किया है उनकी नॉमिनेशन जहां कहीं से भी उसको रद्द की जाए। शायद इसीलिए घबराहट है कि सीता सोरेन जी, जिनकी आप कह सकते हैं कि सोरेन परिवार की बहू होने के नाते जो पृष्ठभूमि रही है उसके अलावे भारतीय जनता पार्टी की ताकत जब उनके साथ होगी तो कहीं ना कहीं उनको घबराहट है कि जामताड़ा में इस बार उनके कहीं पांव न उखड़े। इसलिए इस तरह शब्दावली का उपयोग करना, मैं समझता हूँ एक बार सोचना चाहिए जरूर तभी दोबारा बोलिए आप, लेकिन जो शब्दवान आपके मुंह से निकल गए निश्चित रूप से ये तिरस्कार के योग्य और भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ कंडेम करती है बल्कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा से अपेक्षा करके अपने नेताओं को कम से कम निर्देश दे कि इस तरह की भाषा का अगर वो उपयोग करेंगे तो प्रतिपक्ष से भी फिर उसाली। तमाम जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी ऑफिस से पूजा जुड़ चुकी है। पूजा, क्या कुछ तस्वीरें वहां के बयान कर रही है, आप इस वक्त बीजेपी ऑफिस में हैं। इरफान अंसारी कैसे भूल गए पूजा कि जिस वृक्ष के मुखिया हैं उसी वृक्ष से आती है, उसी वृक्ष की एक शाखा है सीता सोरेन। ऐसे बयानबाजी एक महिला नेत्री को लेकर के कहां से शोभा देता है। पूजा, ठीक है, पूजा से हमारा संपर्क फिलहाल टूट चुका है। ये सोशल मीडिया एक्स पर सीता सोरेन ने अपना पोस्ट किया है और पोस्ट करके इन्होंने खेद जताई है कि एक महिला नेत्री के लिए इस प्रकार का बयान, वो भी इरफान अंसारी के जरिए, कहां से शोभनीय है। जब एक महिला नेत्री को इस तरीके से कहा जा सकता है तो जो आम महिलाएं हैं उनके लिए क्या धारणा होगा, क्या सोच होगा। हालांकि इन्होंने नामांकन रद्द करने की भी मांग कर दी है, माफी मांगने की मांग की है इन्होंने कि माफी मांगे इरफान अंसारी कि महिलाओं के साथ महिलाओं का अपमान नहीं चलेगा। इरफान अंसारी अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं और इस बार फिर से वो अपने बड़बोलेपन का शिकार हो गए हैं। जामताड़ा में बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन पर उन्होंने निशाना साधा, यहां तक तो ठीक था, और इस दौरान उन्होंने अपने मर्यादा को भूल गए और उनके लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर डाले। इसे लेकर के सीता सोरेन ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी के नामांकन तुरंत रद्द किया जाए। सोशल मीडिया एक्स पर सीता सोरेन ने यह लिखा है कि तुरंत इसको नामांकन को रद्द किया जाए।
तमाम जानकारी के लिए पूजा इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। पूजा, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? बीजेपी ऑफिस में है आप, वहां पर क्या कुछ रिएक्शंस हैं? इरफान अंसारी ने अमर्यादित बयान दिया है सीता सोरेन को लेकर के, वो कैसे भूल गए कि जो मुखिया जिस ब्रिक्स से आते हैं उसी ब्रिक्स की एक शाखा है सीता सोरेन, बड़ी बहू है उस परिवार की, सोरेन परिवार की, और उस परिवार की बहू के लिए ऐसे शब्द, आम महिलाओं की क्या दशा होगी इनके रूल में? पूजा, ये है पोस्ट हम दिखा रहे हैं। पूजा से इस वक्त हमारा संपर्क टूट चुका है, जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले भी इन्होंने व्यक्तिगत हमला बोला है सीता सोरेन के ऊपर, क्योंकि तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं इरफान अंसारी को लेकर के सोशल मीडिया एक्स पर सीता सोरेन ने अपनी बातों को रखा है, अपने दुख को इन्होंने रखा है कि इरफान अंसारी के बयान से काफी खेद है, काफी इनको ठेस पहुंचा है। पूजा इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है, पूजा वहां की तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही हैं? बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना है? आप इस वक्त बीजेपी ऑफिस में हैं। जी हाँ निशा, जिस तरीके से बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता से हमने बातचीत करने की कोशिश की थी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर इस तरीके की अमर्यादित भाषा का इरफान अंसारी उपयोग करेंगे तो। इस वक्त हमारे साथ सीता सोरेन जुड़ चुकी है, उनसे हम जान लेते हैं कि क्या कुछ कहेंगी आप। सीता जी, सबसे बड़ा सवाल आपसे ये उठता है कि इरफान अंसारी के इस तरीके के बयान के क्या मतलब है? आखिर आप भी तो सोरेन परिवार की बहू हैं। सीता जी, जी देखिए, इरफान अंसारी का दिमाग जो है कि उसका संतुलन खो चुका है, ठीक है, वो बौखला गए हैं जी। जिस तरह से हमको केंद्रीय नेतृत्व ने यहाँ जामतरा में हमको टिकट दिए जी, और इससे वो बौखला गए हैं कि मतलब ऐसे कैंडिडेट यहाँ पर आ गए कभी सोचे नहीं थे जी, के लिए दिमागी संतुलन खो चुका है, अनाप शनाप बोल रहे हैं। पहली बात तो उसको सोचना चाहिए, आखिर हम लेडी है, किस परिवार से आते हैं, कौन है, मेरा पहचान है। हमको बाहर एक तरह से बाहरी बोल रहे हैं, तो उसको समीकरण देखना चाहिए कि आखिर उनके पार्टी तरह से कैंडिडेट है वहां भी मौजूद है, तो किसी पर आरोप लगाने से देखना चाहिए कि आप खुद आप क्या है, वहां भी तो है ना, तो इस तरह का समीकरण। तो इसलिए आपने अभी भयभीत है कि उनका जीत जो पहले सुनिश्चित होता था, तो इस बार ऐसा कुछ है नहीं, पूरा समीकरण बदल चुका है। इरफान अंसारी महिलाओं को मेरे जैसे सीता जी घबराहट में इस तरीके का बयान दे रहे हैं। हेलो सीता जी, इरफान जी घबराहट में इस तरीके का बयान दे रहे हैं क्या? हार की तरह सता रही है इनको, अपने आगे वो हार ही उनको दिखाई दे रही है, इसीलिए वो कुछ भी बोल रहे हैं। तो सारे महिलाओं को जहाँ पार्टी के द्वारा, सरकार के द्वारा सम्मान की बात किया जाता है जी, और दे भी रहे हैं मैया सम्मान योजना, तो ये महिलाओं को तो आप पूरा बदनाम कर रहे हैं जी। एक महिला, उसका मतलब आप सारे महिलाओं को उसकी नजर से आप देख रहे हैं जी। सीता जी क्या कुछ मांग कर जी 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 सारे इसीलिए बौखला गए। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीता जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो पूजा इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है, पूजा बीजेपी ऑफिस में है आप, सीता जी से अभी हमने बातचीत किया, वहां की क्या कुछ रिएक्शन वहां पे समझ में आ रहा है, देखने को मिल रहा है, जरा बताइएगा।
जी अनिशु, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर सीता सोरेन को लेकर के इरफान अंसारी के बयान को, तो बयान को लेकर के बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने साफ तौर पर कहा है हमारे साथ बातचीत में कि यहाँ पर उनके द्वारा अगर इस तरीके के अमर्यादित भाषा का उपयोग किया जाएगा तो हमारी तरफ से भी अच्छे शब्दों की उम्मीद ना करें। वहीं दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा है कि जामताड़ा में दोनों ही आमने सामने हैं, इस वजह से इस बार इरफान अंसारी को काफी ज्यादा इस बात का डर सता रहा है कि इस बार कहीं उनसे जामताड़ा सीट हाथ से ना निकल जाए। वहीं अगर हम बात करेंगे निशु, तो इसको लेकर के लगातार अब सियासत भी गर्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इस तरीके की अमर्यादित भाषा का उपयोग एक महिला के लिए उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि एक समय होगा जब इरफान अंसारी सीता सोरेन के पीछे पीछे चला करते होंगे और अब जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है तो वो इस तरीके की अमर्यादित भाषा का उपयोग कर रहे हैं। तो इसको लेकर के प्रदीप सिन्हा ने अपनी बातों को स्पष्ट रखा है कि विपक्ष की ओर से कोई भी अच्छे शब्दों का उम्मीद ना करे। वहीं उन्होंने चुनाव आयोग को यहां पर साफ तौर पर कहा है कि इस पर संज्ञान ले और इरफान अंसारी का जो नामांकन है उसे खारिज करने का काम करे, जिस तरीके से उनके द्वारा जो अमर्यादित भाषा का उपयोग किया जा रहा है। निशु, पूजा मैया समान योजना की बात करती है सत्ता पक्ष, एक तरफ योजना चला रही है, खातों में पैसे डाल रही है, दूसरी तरफ एक मैया का अपमान कर रही है, ये कैसे दोहरे चरित्र का खेल खेल रही है सत्ता पक्ष? पूजा, देखिए जी, जरूर ये बात हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सत्ता पक्ष की ओर से लगातार मैया सम्मान योजना की बात कही जा रही है, खुद अगर बात करेंगे तो कल्पना सोरेन कहती हैं कि हेमंत सोरेन यहां पर मैयाओं को सम्मान देने के लिए 1,000 रुपए दे रहे हैं, तो वहीं उनका यह भी कहना है कि दिसंबर से वो 2,500 रुपए देंगे। तो यहाँ पर जरूर लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो सीता सोरेन को लेकर इरफान अंसारी ने विवादित बयान दिया है, अमर्यादित बयान दिया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।